हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रैंडम वीडियोस विद निशी। और मैं हूँ निशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक मेकअप लेकर आई हूँ। समर्स हैं अभी और समर्स में हमें ज्यादा मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है। और जैसे अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मेकअप रहेगा। और अगर आप कॉलेज में ये मेकअप कर सकते हैं, कॉलेज जाती हैं तो आप ये वाला मेकअप कॉलेज में भी कर सकते हैं। या बहुत ही बेसिक मेकअप है, किसी से मिलने जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो हम इन मोमेंट्स में ज्यादा मेकअप अप्लाई करना नहीं पसंद करते हैं, तो आप ये वाला मेकअप ट्राई कर सकते हैं। और आज के मेकअप प्रोडक्ट्स भी बहुत ही मिनिमम यूज करने वाली हूँ मैं। कोई कंसीलर नहीं यूज करूंगी, कोई फाउंडेशन नहीं यूज करूंगी। तो चलिए देखते हैं ये मेकअप लुक कैसे अचीव करनी है। बट इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप जानते हैं आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहे। और प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बीबी क्रीम यूज करके बताऊंगी आपको। और इससे पहले मैंने फाउंडेशन की एक वीडियो बनाई है कि हमें फाउंडेशन किस तरह से अप्लाई करनी चाहिए, और वो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल था जो मैंने वीडियो बनाई है। आप उसे भी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और वहां पे मैंने बफिंग ब्रश यूज किया था अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। और मुझे कॉमेंट्स आए थे आपकी तरफ से कि हमें फिंगर्स के साथ ब्लेंड करके दिखाइए और बीबी क्रीम यूज करके दिखाइए। तो आज मैं यहाँ पर गार्नियर की बीबी क्रीम लेकर आई हूँ, जो मैं इससे ही आज का मेकअप करूंगी। और मैं एक तरफ आपको फिंगर्स के साथ ब्लेंड करके दिखाऊंगी और एक तरफ मैं आपको बफिंग ब्रश यूज करके दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं आज का मेकअप हम फिंगर्स और ब्रश के साथ कैसे करते हैं। बोल रही थी कि श्योर कवरेज होगी इसकी, और वैसे ही कवरेज हमें मिली है। बस हल्का सा डार्क सर्कल्स यानी अंडर आई एरिया में मुझे लगता है कि थोड़ी सी और मैं यूज करूंगी, बिकॉज मैं यहाँ पर कंसीलर नहीं यूज करूंगी। और अगर आपको कहीं और लगता है कि डार्क स्पॉट्स हैं, वहां पे भी आप लगा सकते हैं। एंड अगेन यू हैव टू ब्लेंड विद फिंगर्स। फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड किया है और इस साइड में मैं यहाँ पर बफिंग ब्रश यूज करूंगी और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। और अब मैं यूज करूंगी बफिंग ब्रश और इससे आपको ब्लेंड करना है। और आप देख सकते हैं इस साइड पे मैंने यहाँ पर बफिंग ब्रश यूज किया है और इस साइड पे मैंने फिंगर्स से ब्लेंड किया है। तो अकॉर्डिंग टू मी ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। नहीं पता चल रहा है कि आपने किसके साथ ब्लेंड किया है
यानी ये जो बीबी क्रीम है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। हाफ फेस पे मैंने फिंगर्स के साथ ब्लेंड किया है और हाफ फेस पे मैंने यहाँ पर ब्रश के साथ ब्लेंड किया है, और आपने देखा कि बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है ये, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से रिजल्ट आया है। दोनों ही तरफ से बहुत ही अच्छे से बिल्ड भी हुआ है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हुआ है, और अब मैं इसे नेक पे भी लगा दूंगी। और यहाँ पर भी मैं फिंगर्स के साथ ही ब्लेंड करूंगी, जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे कि मेल्स आई थी कि आप फिंगर्स के साथ ब्लेंड करके दिखाइए, तो आप देख सकते हैं कि फिंगर्स के साथ ब्लेंड करना इस बीबी क्रीम को कितना ज्यादा आसान है। और बीबी क्रीम के बाद मैं यहाँ पर प्रेसिंग पाउडर, प्रेस पाउडर यूज कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी, और इसे आपको जस्ट डैप करना है बिकॉज समर्स है और आपका बीबी क्रीम अच्छे से स्टे करे, इसीलिए आपको प्रेस पाउडर यूज करना है, एंड स्पेशली टू योर टी जोन एरिया बिकॉज यहाँ पर स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। और इसके बाद मैं यहाँ पर ब्लश यूज कर रही हूँ, ये मेबलिन की तरफ से वी फेस ब्लश कॉन्टोर है, इसके अलग से मैंने डिटेल में वीडियो की है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्माइल। और आज मैं कॉन्टोरिंग यूज नहीं करूंगी क्योंकि आज हम बिल्कुल सिंपल मेकअप रख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हाइलाइटर, एंड सॉरी फॉर द वॉइस, और ये ऑप्शनल है। और लिप कलर मैंने ऑलरेडी लगाया था, हल्का सा टचअप दे देंगे। एंड दैट्स इट। दोस्तों आज की वीडियो यही थी, आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।